हरिओम, मैं सुनील सिंह निगम इंदौर केंद्र से हूँ। मेरा एक अनुभव है कोविड टाइम का। मैं प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए परचेस मैनेजर काम करता हूँ और लीगल भी करीब करीब मैं ही देखता हूँ सारा कंपनी का। कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ कि ऑफिस से सबसे पास में मैं ही रहता, उस कारण मेरे को मेरे बॉस बार बार हर चीज के लिए पिक्चराइज करते थे कि मेरे घर से जरा आधा किलोमीटर दूर पे एक फ्लाईओवर बना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर है हम, फ्लाईओवर बना रहे थे हम, तो वहां पे काफी लेबर थी मेरी करीब, बाहर के बिहार के और अपने झारखंड वगैरह के लेबर सारी वहां पे आके ठहरी हुई थी। तो ये था किसी की भी कोई समस्या आ रही, कोई भी परेशान हो रहे हैं तो मेरे को भेजा जाता था कि बोले निगम जी जाके देख लो आप। मैं जाता था, दौड़ता था। ये बाबू की बहुत बहुत बड़ी कृपा रही मेरे ऊपर कि मैं सिर्फ 21 मार्च 2020 उस दिन घर में रहा हूं पूरे कोविड काल में। बाकी किसी दिन मैं घर में रहूं, रात दिन सुबह से निकलता था, दोपहर 2 बजे तक मैं सारी वर्किंग करता था। किस लेबर के यहाँ क्या परेशानी है, साइट पे जितने वर्कर हैं उनको खाना अवेलेबल करवाना, कोई परमिशन लेना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, सब डिपार्टमेंट में जाना और परमिशन लेना, हर काम के लिए मेरे को दौड़ना पड़ता था। बापू की ऐसी कृपा थी कि मेरे या तो संबंध कुछ ऐसे थे बापू के कारण से, मैं किसी भी दुकानदार लेबर का फोन आया कि भैया हमारे पास राशन नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है, मैं सिर्फ आसपास के दुकानदार को किसी का नंबर मिला फोन करता था, भैया मेरे को 10-20-25 लेबर के हिसाब से इतना इतना आना चाहिए। वो लोग बापू की कृपा से मेरे साइट पर लाके सामान दे जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ किराना वालों को कुछ टाइम की छूट मिलती थी, तो वो बिल्कुल सामान मेरे यहाँ दे जाते थे। किसी ने कभी पैसे के लिए मेरे को नहीं बोला कि एक पैसा चाहिए मेरे को आज। जब लॉकडाउन पूरा खत्म हुआ मई में, पूरा तो नहीं बट पार्ट खत्म हुआ, तब मेरे पास लोगों के फोन आए कि भैया पेमेंट, मैंने आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, आप चिंता मत करो, मेरा ऑफिस जैसे खुलेगा मैं सबका पेमेंट करूंगा। 5 मई के दिन मेरे को याद है आज भी, 5 मई के दिन मैंने 90% लोगों का पेमेंट करवाया बापू कृपा से। ये इतना बड़ा अचीवमेंट रहा जिसकी कि हर दिन, मतलब हर लेबर आज भी मेरे बॉस तक ये बोलते हैं कि लॉकडाउन पूरे लॉकडाउन, मतलब पीडब्ल्यूडी के बड़े बड़े अधिकारियों के तक आटा पहुंचाने से लेके किराना तक मेरे पास फोन आता था कि निगम जी हमारे आटा पहुंचा दो हमारे घर में। मैंने सब, मैंने क्या मतलब बापू ने मेरे को कहीं पीछे नहीं रखा, हर जगह ये कहा हाँ सर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, मैंने हर जगह वो काम करा जाके और सबके राशन वगैरह जो भी पहुंचाना था पहुंचाया। बापू ऐसी कृपा रही, मेरे को कोरोना टच तक नहीं कर पाया आज तक, जबकि वो मेरे को आज भी, मैं उस चीज को याद करता हूँ, इतना डर लगता है कि सड़क पे जब गाड़ी टू व्हीलर से चल रहा हूं तो आसपास की रेलिंग, ऐसा डर बैठा था मन में कि रेलिंग पे कोरोना बिठा उड़ के भी चिपकेगा अपने को, इस तरह का डर माहौल था उस टाइम पे। उस टाइम पे बापू ने मेरी इतनी रक्षा करी जिसकी हद नहीं। बापू श्री राम अमर नाथ संवित, नाथ संवित, नाथ